नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गुरुजी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये है रिसाइकल्ड ईवी व्हीकल बैटरी। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि पिछले 2 साल में जो ईवी व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो रफ्तार है उसने एक्सपोनेंशियल गेन किया है। अगर हम बात करें कि इसका जो प्रणेता है यानी कि पायोनियर है वो है टेस्ला, जो एलन मस्क के नाम से लोग उसको जानते हैं, जिसकी एक ट्वीट से एक सिग्नल जिसका शेयर की प्राइस 0.10 सेंस थी उसको $32 तक पहुंचा दिया था सिर्फ एक ट्वीट से। तो ये बंदा जो है वो टेक्नोलॉजी टूरल ड्रिवन है और उसने फोरसी किया था यानी कि एक फ्यूचर देखा था कि फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल का है, और उसी के अंतर्गत उसने टेस्ला नाम की एक कंपनी की स्थापना की और उसका जो प्रोडक्शन रैंप अप किया 2013 के बाद। और आपने देखा होगा पिछले 2 साल में टेस्ला की जो नेटवर्थ है वो एप्पल से भी दुगनी हो चुकी थी। तो उसका रीज़न ये है कि उसने ये देखा था कि भी ईवी व्हीकल है वो फ्यूचर है, और ईवी व्हीकल का जो हार्ट है वो है ईवी बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी। बेसिकली बैटरी क्या होती है कि जैसे हम अपनी कार की जो बैटरी होती है छोटी मोटी, इतनी बड़ी सी बैटरी होती है, उसका इस्तेमाल क्या होता है कि कार की जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होती है उसको मैनेज करने में। अब उसने क्या किया कि यही जो बैटरी है उसका फ्यूल के तौर पर, एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि कार में क्या होता है, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये बंदे ने ऐसा सोचा कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके पूरे ये जो कन्वेंशनल जो फ्यूल है पिछले 50-60-70 साल से चले आ रहा है, मैं उसको चैलेंज दूंगा। और ये चैलेंज की वजह से वो आज दुनिया में दूसरे सभी को ये जो ईवी व्हीकल्स के जो मार्केट में पीछे छोड़कर आगे निकल चुका है। अब उसकी बात करते हैं कि उसने तो ये टेम्पररी गेन किया है, किंतु अब टेस्ला को आगे बढ़ना होगा तो उसके लिए उसको सस्टेनेबल जो ईवी बैटरी है उसके बारे में बहुत सारा आरएनडी करना पड़ेगा। और आई एम श्योर कि वो इसी क्षेत्र में काम करते ही होंगे, क्योंकि ये ईवी बैटरी जो होती है उसका करीब करीब लाइफ साइकिल जो होती है ना वो मैक्सिमम 5 से 10 साल की मैक्सिमम होती है, अगर आप बेस्ट के सिनेरियो में बात करें। अगर आप वर्स्ट के सिनेरियो में बात करें तो 2 से 3 साल, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि उसको रिसाइकल करना पड़ता है या तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो उसके बाद वो बैटरी फालतू हो गई, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा और उसके बाद नई बैटरी लगाना पड़ेगा। आप सोचिए कि पृथ्वी में तो ऑयल जो है वो धरती में से निकलता है, सीधा ऊपर निकाल के हम हाइड्रोलिक मशीनरी से उसको फिल्टर करके पेट्रोल डीजल बनाते हैं, किंतु ईवी बैटरीज का ऐसा नहीं होता है। ईवी बैटरीज का क्या होता है कि एक बार बन गया फिर वो कबाड़े खाने में जाता है और वहाँ पे पॉल्यूशन को बढ़ाता है, यानी कि वो जो एक्सपायर्ड मटेरियल होता है उसको फिर क्या कि उसका रिसाइकलिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। तो इसके बारे में खुशखबरी ये है कि स्वीडन की एक नॉर्थ वर्ल्ड करके कंपनी है, उसने इसका जुगाड़ ढूंढ लिया। हालांकि ये जुगाड़ अभी तक एलन मस्क ने भी नहीं ढूंढा है, और ये जो जुगाड़ है वो नॉर्थ वर्ल्ड नाम की जो स्वीडन की एक कंपनी है उसने ढूंढ निकाला है। उसने ये क्लेम किया कि वो जो ईवी बैटरी जो है उसको 100% रिसाइकल कर सकती है। 100% रिसाइकल मतलब क्या हुआ कि वो अगर बैटरी डेड भी हो जाती है तो उसको वो स्पेशलाइज प्रोसेस करके उसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी में बेसिकली क्या NMC होता है, निकल, मैंगनीज और कोबाल्ट, ठीक है, ये तीनों का इस्तेमाल होता है बैटरी का इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करने के लिए, और उसकी उसके बेस पर बैटरी आगे चलती है। तो वो लोगों ने क्या ढूंढ निकाला, ये काट निकाला है कि ये नॉर्थ वोल्ट नाम की जो कंपनी है स्वीडन की, एक छोटा सा स्टार्टअप है, आने वाले समय में हो सकता है कि इतना भयंकर बढ़ जाएगा कि वो अरब कंट्रीज जो है जो तेल के दम पर बड़े बड़े हाथी बने हुए हैं वो अगले आने वाले साल में हाथी में से चींटी बन जाएंगे। और ये जो छोटे छोटे जो नए इनोवेशन वाली जो कंपनीज है वो धीरे धीरे गैंडे जैसी बड़ी बनती जाएंगी। उसका रीज़न मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ये जो पोटेंशियल चेंजेस आ रहे हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल में किसी ने सोचा नहीं होगा कि ईवी इतनी रफ्तार पकड़ लेंगे। उसने आज जाके हर 10 में से 3 व्हीकल जो होते हैं वो ईवी होते हैं। तो उसी के अंतर्गत ये जो जिसने जो फ्यूल जो हार्ट होता है जैसे कि ईवी, उसमें जो भी R&D करेगा उसमें से जो भी अपना रिसोर्सेस लगाएगा वो आने वाले समय में गेम चेंजर बनकर उसका स्ट्रेटेजिक बेनिफिट ले पाएगा। तो ये जो है
स्वीडन की अभी एक स्टार्टअप ने किया है, तो उसका ये मानना है कि भी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो NMC जो है निकल मैंगनीज कोबाल्ट, अगर कि कोई भी लोग हमारा उसकी एक्सपोज हुई हुई एक्सपायर हुई हुई बैटरी हमें दे दे, हम उसको रिसाइकल करेंगे और उसी मटेरियल का, उसी जो एक्सपायर्ड मटेरियल होते हैं उसमें से जो मेटालिक और नॉन मेटालिक पार्ट होते हैं उसको हम सेपरेट करेंगे और सेपरेट करके मेटालिक पार्ट को फिर से बैटरी के काम में इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इसका रीज़न ये हुआ, सरल भाषा में आपको बताया तो ये हुआ कि भाई गंदा पानी होता है हमारे घर में से वगैरह सब में से, जो पॉल्यूटेड वाटर होता है वो क्या है कि धीरे धीरे नदी में जाता है फिर उसे समुद्र में जाता है। तो ये लोग क्या करेंगे कि जब नाले में से पानी निकलता है तो वो एक यहाँ पे ट्रीटमेंट लगाए प्लांट लगाएंगे, जब ये पॉल्यूटेड पानी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे गंदा पानी निकलेगा और यहाँ से प्रोसेस होके फिल्टर होके यहाँ से सही मतलब अच्छा वाला पानी निकलेगा। तो ये जो फिल्टरिंग प्लांट है वो ये नॉर्थ वर्ल्ड नाम की कंपनी ने बनाया हुआ है। तो यहाँ से वो लोग प्रोसेस करेंगे बैटरी के, जो एक्सपायर्ड बैटरी होती है उसमें से सही अच्छी वाली और नॉन अच्छी वाली जो पॉल्यूटेड प्रोडक्ट होगी उसको सेपरेट करेंगे और यहाँ से वो लोग बाहर निकालेंगे अच्छा वाली जो मेटालिक पार्ट होते हैं जो बैटरी में इस्तेमाल होते हैं। तो इसका रीज़न, इसका बेनिफिट ये होगा कि ये पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बैटरी डेड होती है वो बैटरी को फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि एक साइकिल लूप बन जाता है। एक बार इस्तेमाल हुआ उसको प्रॉपर तरीके से फिल्टर करके वापस उसको इस्तेमाल करो, ठीक है। जबकि ये जो ऑयल इंडस्ट्री वगैरह सब उसमें ऐसा नहीं होता है, एक बार ऑयल या फिर डीजल पेट्रोल को इस्तेमाल कर लिया धुएं में वो परिवर्तित होकर आकाश में उड़ जाता है। तो ये दोनों का सबसे बड़ा गेम चेंजिंग पॉइंट है और इसकी वजह से ये जो इनोवेशन में नॉर्थ वर्ल्ड नाम की जो स्वीडन की कंपनी है जिस तरीके से वो आगे बढ़ी है, अगर दुनिया में, मैं भारत की बात करता हूँ, अगर भारत में भी अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करता है तो डेफिनेटली ये गेम चेंजर हो सकती है। इंडिया में बता दें कि टेस्ला जैसी कोई गेम चेंजर जो कंपनी नहीं है, किंतु हाँ यहाँ पर टाटा मोटर्स करके जो टाटा ग्रुप की जो कंपनी है उसने फॉरेन की एक ईवी कंपनी के साथ टाइप किया है, जिसकी वजह से भारत में उसका जो प्रोडक्शन स्केल है वो बढ़ेगा। किंतु पता नहीं R&D में कितना आगे बढ़ रहे हैं, किंतु एक बात तो तय है कि अगर जिसको भी ये जो ईवी बैटरी रिसाइकलिंग प्रोसेस है अगर कोई भी कंपनी उस पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली वही आगे की टाइम में यानी कि 2030 तक गेम चेंजर बनेंगे। दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।